हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसा मेकअप ट्यूटोरियल जो कि आपका, चाहे वो वेडिंग के लिए आपको रेडी होना हो या फिर किसी फेस्टिवल के लिए रेडी होना हो, ये कंप्लीट ट्यूटोरियल आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेगा आपके हर तरह के मेकअप को करने के लिए। सो गाइस, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपना मेकअप स्टार्ट कर दिया है, बट आपको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपनी स्किन को करना होगा प्रेप, और जो कि हम जिसे हम लोग बोलते हैं CTM, क्लींजिंग टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। अगर आपने अपनी स्किन पे ये नहीं किया तो गाइज, आप मान लीजिए कि आपका मेकअप केकी होना, पैची होना, ये सब बहुत नॉर्मल बात है। इसलिए कोई भी मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को सबसे पहले प्रेप कर लीजिए। सो अभी मैं वो सब कर चुकी हूँ। जैसा कि अभी मैंने दिखाया आपको, दो लाइंस करके दिखाई फाउंडेशन की कि कौन सा फाउंडेशन हमारी स्किन के लिए बेटर होगा। जैसा कि आपने देखा कि एक साइड लाइटर था, एक साइड डार्कर। सो गाइज, अगर आप जो भी फाउंडेशन सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपको ऐसा सेलेक्ट करना है कि आपकी स्किन टोन से मिलता हुआ होना चाहिए। बिकॉज़ अगर आपने अपनी स्किन से लाइटर टोन अगर सेलेक्ट करते हैं तो गाइज़, वो कुछ टाइम के बाद ग्रे होगा, वाइट लगेगा, इवन वो ऐसा दिखेगा कि जैसे कि आपने कोई पेंटिंग कर रखी है फेस पे। सो आपको हमेशा अपना फाउंडेशन अपनी स्किन टोन से मिलता हुआ ही पिक करना चाहिए। ओके, सो दिस, ये मेरी आपके लिए बहुत प्यारी सी टिप्स। तो अब सब इतना सब कुछ बोलने से पहले आप अपना फ़ोन का सबसे पहले एक ऐसा बटन प्रेस कर दीजिए जो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। गाइस प्लीज़, आपके ब्लेसिंग्स की, आपके लव की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो अभी आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कॉन्ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि यार जैसे कि होता है ना कि कॉन्ट्रोलिंग की नीड हमें क्यों पड़ती है एक्चुअली फेस पे। कॉन्ट्रोलिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि जैसे अगर जैसे मेरा आप फेस देख रहे हैं वो राउंड फेस है और मेरे को चाहिए थोड़ा सा ओवर लुक टाइप का चाहिए, तो इसलिए मैंने अपने फेस को थोड़ा सा कॉन्ट्रोल कर दिया है। अगर आपको कॉन्ट्रोलिंग नहीं पसंद है तो बिल्कुल स्किप कर दीजिए, मतलब ऐसा कोई बहुत बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि आपको इससे ये कॉन्ट्रोलिंग भी करनी है। ये तो एक्चुअली हमें कैसा लुक क्रिएट कर रहे हैं और हमें कैसा लुक चाहिए अपना, तो उस पर टोटली डिपेंड करता है। ओके, सो अब मैंने जैसे कि ये ट्यूटोरियल स्पेशली मैंने जो बनाया था ना, ये एक ऐसा ट्यूटोरियल जिसमें मैंने ना एक अपने मन की बात रखनी थी आपके आगे कि यार एक साल से जो कनेक्टिविटी ख़राब हो गई थी, मिल नहीं पा रही थी, मतलब हम जिसे मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी आप लोगों से, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा ट्यूटोरियल भी लेके आते हैं और साथ साथ जितनी सारी बातें हैं मन में वो सारी आज बैठ के कर लेते हैं। तो गाइज, जैसे एक साल, पूरा एक साल निकल गया यार, एक साल के बाद मैं एक्टिव हो रही हूँ जा कर के, क्योंकि बस थोड़ा सा था मेरे साथ में, कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह थे तो वो सब पीछे लगा हुआ था, बट नाउ अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अब पूरा कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी आप लोगों के साथ, बस आपका प्यार भी उतना ही बरकरार रहना चाहिए गाइज। और यार इतना नॉन स्टॉप बोलते कहीं ना कहीं थक गई मैं। सो ये अब मैं अपने यहाँ पर आईब्रो फिलिंग करूँ। गाइज, अब एक चीज़ हमेशा देखा होगा आपने कि चाहे कैसा भी मेकअप हो, डजेंट मैटर कि आप किसी पार्टी में जा रहे हैं या फिर किसी भी जगह, मतलब कहीं भी जा रहे हैं, अगर आपकी एक आईब्रोज अच्छे से, मतलब हाईलाइट हो रही है, मतलब आपने अपनी मतलब पूरी फिलिंग अच्छे से कर रखी है, तो फेस का ना लुक चेंज हो जाता है। कभी कभी आपने सुना है ना, जैसे सब लोग बोलते हैं कि यार कुछ ना कराओ ना, तो एक थ्रेडिंग कराने के बाद अलग लुक दिखता है हमारे फेस का। एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज एक थ्रेडिंग हमारे फेस का एक ऐसी चीज़ है कि जिसका मतलब करने से ना बिल्कुल लुक ही बदल जाता है। तो मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है वो मैंने अपनी थ्रेडिंग पे ही किया है। तो अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ अपने लैशेस, मैं लैशेस लगा चुकी हूँ। नाउ इट्स टाइम टू कॉन्ट्रोल, सॉरी हाईलाइटिंग। अब मैंने अपने चिक्स को हाईलाइट कर लिया है। आपको जितना मतलब ऐसा चाहते हो कि हाईलाइट करना, और हाईलाइट हमेशा माउंट एरियाज पे ही होता है जो आपको दिखाना है कि वो थोड़ा सा इनहेंसिंग लगे। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आप अगर जब लाइक और सब्सक्राइब करते हैं ना गाइज, तो रियली मतलब नेक्स्ट डे ऐसा मन करता है कि जब हमें कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, तो उनके लिए और मेहनत करना बनता है यार। तो बस यही था मेरा आज का ट्यूटोरियल।
अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक। और फाइनल लुक आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर बिंदी लगा के पूरा कर रही हूँ, और दिस इज़ माई फाइनल लुक। अगर आप लोगों को पसंद आए, अगर नहीं 100% पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक दैट चैनल, थैंक यू। और अब मैं आपको, जब आपने पूरा मेकअप कर लिया है ना, तो यार उसको मतलब सेटिंग स्प्रे से सेट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप जब भी बाहर जाते हैं आपको स्वेटिंग भी होती है और वो थोड़ा सा केकी लगने लग जाता है, तो आपको उसे सेट कर लेना है। दिस इज़ माय फाइनल लुक, ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।